शहबाज गिल ने रमेश कुमार से माफी मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने सीनियर सियासतदान रमेश कुमार के घर जाकर माफी मांगी। शहबाज गिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रमेश कुमार से मुलाकात की वीडियो शेयर की, जिसमें उनको रमेश कुमार से माफी मांगते और डॉक्टर रमेश कुमार को उनकी माफी कबूल करते हुए देखा जा सकता है। बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक बैकग्राउंड मुझे पता है वो उसमें एक लफ्ज कहा गया जिसका मुझे बाद में खुद भी अफसोस हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे उसका अफसोस है। इंशाल्लाह मिलके आगे काम करेंगे इकट्ठे, पहले भी आपके साथ काम किया है। वीडियो शेयर करने के साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूं तो मेरे ऊपर दर्जनों केस चल रहे हैं, जिनमें शरीफ खानदान, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हतक इज्जत के केसेस किए हैं, जिन्हें मैं अदालत में लड़ूंगा, लेकिन रमेश कुमार अकलियत से हैं, इसलिए मैं आज उनके पास गया हूं, क्योंकि मेरी जिद्दोजहद तबकाती लड़ाई की है और मैं किसी अकलियत से लड़ना नहीं चाहता। वाजिर है 17 मार्च 2022 में एक निजी प्रोग्राम के दौरान शहबाज गिल ने रमेश कुमार को गालियां दी थीं और इल्जाम आयद किया था कि रमेश कुमार कैंसर की जाली दवा बेचने के लिए वजीर आजम ऑफिस आते थे, जिसके बाद रमेश कुमार ने शहबाज गिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त जमा करवाई थी कि TV प्रोग्राम में गालम गलोच और हतक आमेज जबान इस्तेमाल करने के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।